हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बदन में प्लेटलेट कम होने के बाद कौन से लक्षण दिखते हैं, जिसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी लोगों ने इसे देखा और लाइक किया। तो अब मैं इससे इंस्पायर होकर मैं यह अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि बदन में प्लेटलेट कैसे कम होते हैं, कब कम होते हैं और क्यों कम होते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में दो पार्ट रहते हैं, लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में रहता है प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट में रहता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स तीन टाइप की रहती है, RBC, WBC और प्लेटलेट। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है, साइंटिफिक नेम, और जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है और जिसका काम है ऑक्सीजन कैरी करना। इसकी नॉर्मल वैल्यू, हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू रहती है 12 to 16 mg/dL। दूसरी सेल्स है WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, और इसका फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना बॉडी को। इम्यूनिटी मतलब फैगोसाइटोसिस नाम का एक फंक्शन रहता है, कि जिसमें अगर सपोज बॉडी में कोई भी बाहर से वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी ऐसी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज़ ऐसी आती है कि जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसे मारने का काम है WBC करती है। इन शॉर्ट, ये बॉडी में सोल्जर की तरह काम करते हैं और इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 4000 से 10000 per m³। इसके बाद आते हैं प्लेटलेट्स, जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो ये प्लेटलेट्स का फंक्शन है इम्यूनिटी। यह भी ये बाहर इम्यूनिटी का काम करते हैं, बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करते हैं। और इसके अलावा इसका मेन फंक्शन है कि ब्लड की क्लॉटिंग करना, मतलब खून खून जब कोई ज़ख्म हो जाती है और खून बहने लगता है, तो उसे खून को रोकना, क्लॉट करना। इसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता ही है, 1.5 लाख से 4.5 लाख per m³ रहती है। अब प्लेटलेट क्यों कम होते हैं? तो प्लेटलेट कम होते हैं इन्फेक्शन के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्फेक्शन होता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के रहते हैं, वायरस और बैक्टीरिया। अब जैसे वायरस है, वायरस में कैसा आ गया, जैसे डेंगू, यह एक वायरस है, डेंगू वायरस। बैक्टीरिया में आ गया, जैसे टाइफॉइड का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफोजा, यह है बैक्टीरिया हो गया। अब होता क्या है, जब कोई भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में जाता है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम, किल करने का काम यह ब्लड सेल्स करते हैं। अब क्या होता है, अगर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पावर यानी ताकत अगर ये ब्लड सेल्स के पावर से कम रही, तो ये ब्लड सेल्स इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालते हैं। और होता ऐसा है कि अगर बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए, बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, ब्लड सेल्स की पावर अच्छी है, तो ये ब्लड सेल्स और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जैसे जिसमें कि WBC है, ये खुद की जो है संख्या बढ़ा लेती है, जिसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। WBC बढ़ जाती है और वो बढ़ी हुई WBC माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम करती है। यानी कोई इन्फेक्शन अगर बॉडी में गए और बॉडी में जाने के बाद अगर इन्फेक्शन की ताकत कम है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ताकत कम है, बॉडी की ताकत अच्छी है, तो WBC बढ़ेंगे। दूसरा फिर आता है, अगर सपोज ऐसा हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ताकत बढ़ी हुई है और बॉडी की ताकत अगर कम हो गई, तो क्या होता है, फिर यह माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स और सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो इसमें शुरू होता है फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और WBC कम होना, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। तो क्या होता है, यानी सिंपल है, ये है बॉडी के सोल्जर्स और ये है एनिमी। इन्होंने अटैक कर दिया, अगर ये अटैक करने के बाद अगर सोल्जर्स की ताकत अगर तादाद अगर ताकत अच्छी रही, तो ये अपनी तादाद भी बढ़ा लेंगे, और अगर ये फिट रहे, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मार डालेंगे। और अगर सपोज सोल्जर की तादाद कम हो गई या वो उनकी ताकत कम हो गई, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स सोल्जर्स को मार डालेंगे। और इनकी जब फाइटिंग होती है, इनकी जब लड़ाई होती है, तो बॉडी में वेरियस लक्षण सिम्टम्स तैयार होती है, जैसे कि फीवर, जो सब में मेन है। इसके अलावा बाकी के लक्षण जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे, वो सब तैयार होते हैं। अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर है जिन पे ये डिपेंड करता है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा, प्लेटलेट काउंट कम होगा या WBC काउंट बढ़ेगा। तो सब में पहले आता है कि टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गए वो कौन सा है, यानी कौन सी बीमारी का है। तो देखिए, जनरली डेंगू, मलेरिया या टाइफॉइड, ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाते हैं, इनमें प्लेटलेट काउंट कम होता है, क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स ही उसी तरह रहता है इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के लिए। दूसरा ऐसा रहता है, देखिए, डायरिया, न्यूमोनिया या पायोडर्मा, डर्माटाइटिस, ऐसे इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में जाते हैं, तो जनरली WBC बढ़ती है।
अगला चीज़ आता है कोर्स ऑफ इलनेस, यानी डिसीज़ का कोर्स ऑफ इलनेस कैसा रहता है। जैसे कि कुछ कुछ ऐसे डिसीज़ है कि जिसमें शुरू में ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ता है, यानी जब शुरू में बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहती है तो ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ता है। धीरे धीरे जब ल्यूकोसाइटोसिस बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ताकत फिर भी ज़्यादा रहती है, तो फिर बाद में प्लेटलेट काउंट कम होता है। ऐसे भी कुछ है, कुछ कुछ डिसीज़ ऐसे है कि जिसमें सीधे पहले ही शुरुआत में ही प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, यानी पहले दिन फीवर आता है और पहले दिन प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। कुछ कुछ डिसीज़ ऐसे है कि शुरू में प्लेटलेट काउंट नॉर्मल रहता है, फीवर आते रहता है, बाद में धीरे धीरे प्लेटलेट काउंट कम होता है। तो ये कोर्स ऑफ इलनेस कैसा है डिसीज़ का, उस पर भी डिपेंड है। हर डिसीज़ का कोर्स ऑफ अपना कोर्स ऑफ इलनेस रहता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी डिसीज़ में अगर फर्स्ट फर्स्ट इसमें ही अगर प्लेटलेट कम हो गए तो नेक्स्ट इसमें प्लेटलेट कम होंगे ही करके। तीसरा रहता है कि इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है इस पर डिपेंड रहता है। जैसे कि बॉडी की इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो WBC बढ़ते हैं, इम्यूनिटी कम रही तो प्लेटलेट कम होते हैं। इम्यूनिटी कौन से डिसीज़ में कम होती है, जैसे HIV हो गया, डायबिटीज़ मलाइटस, TB, मलेरिया, ऐसे में। अगली चीज़ रहती है कि ट्रीटमेंट, यानी ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं। जैसे कि सपोज अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसमें अगर अपन प्रॉपर टाइम पर प्रॉपर एंटीबायोटिक के साथ प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए अगर ट्रीटमेंट लेते हैं और अच्छे से क्योर करते हैं तो इसमें फिर प्लेटलेट काउंट कम नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे टाइफॉइड है, टाइफॉइड में अगर आप एंटीबायोटिक अवॉइड कर रहे हैं तो जब तक बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तब तक वो बैक्टीरिया के साथ फाइट करेंगे। WBC जैसे ही इम्यूनिटी कम होगी वैसे धीरे धीरे प्लेटलेट कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा पैटर्न रहता है, इन चार चीज़ों का आता है। पहली बात है डिसीज़, यानी मतलब डिसीज़ कौन सा है। दूसरा उसका कोर्स ऑफ इलनेस, मतलब टाइम जितना समय वो कितना समय लेगा अच्छा होने के। एक हर डिसीज़ का अपना खुद का कोर्स ऑफ इलनेस रहता है कि उसकी शुरुआत होती है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है और फिर बाद में धीरे धीरे कम होता है। तीसरा आता है पेशेंट की इम्यूनिटी, और चौथा पॉइंट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किस तरह से चालू, अगर ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर नहीं शुरू है, लो एंटीबायोटिक ढंग से शुरू नहीं है, कम दिन के लिए या प्रॉपर डोज में नहीं लिए तो फिर प्लेटलेट कम होती है, नहीं तो फिर प्लेटलेट ठीक रहती है। दूसरा एक ऐसा रहता है कि जो प्लेटलेट कम होने वाले जो डिसीज़ है कि जैसे बुखार है और इसमें कभी कभी प्लेटलेट कम होती है और उसका डायग्नोसिस भी नहीं होता है कि एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, जब एक बार प्लेटलेट कम होती है तो इसमें ऐसा रहता है, देखो जब प्लेटलेट अचानक से कम होती है, यानी कम समय में कम होती है, जैसे आज बुखार आया है या आज पेशेंट बीमार गिरा और कल इसके प्लेटलेट कम हो गए, या आज बीमार गिरा और आज ही प्लेटलेट कम हो गए, तो ऐसे इलनेस में सीवियरिटी ज़्यादा रहती है। और अगर सपोज़ वो कोर्स ऑफ इलनेस के हिसाब से अगर सपोज आज पेशेंट बीमार गिरा और इसके 10th डे को अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो ये पेशेंट में ज़्यादा सीरियस नहीं रहता है, क्योंकि इसके बॉडी को इस कम हो धीरे धीरे प्लेटलेट काउंट कम होता है तो उसके साथ एडजस्ट करने को टाइम मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक दिन में अचानक से प्लेटलेट काउंट कम होता है इसलिए बॉडी को उसके साथ एडजस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, इसलिए पेशेंट सीरियस हो जाता है। इस तरह का ये पैटर्न चलता है। दूसरा ऐसा है कि प्लेटलेट काउंट एक बार कम होना शुरू हुए तो बहुत जल्दी कम होते हैं और कम ही होते हैं, और फिर जब बढ़ना शुरू होते हैं तो बढ़ने के लिए समय लेते हैं। जैसे अगर सपोज आज प्लेटलेट काउंट किसी के 1.5 लाख है, कल अगर ये किसी के 50,000 हो जाते हैं तो ये 50,000 के बढ़ने के लिए बाद में 10 दिन भी ले सकते हैं। दूसरा ऐसा है कि जब प्लेटलेट काउंट एक बार कम होना शुरू होते हैं तो कम ही होते हैं, यानी मतलब ऐसा रहता है कि अगर किसी के प्लेटलेट काउंट आज अगर सपोज 1.5 लाख है या बीमार गिरने के बाद कल अगर 1 लाख हुए तो ये परसों फिर से 90,000 तक 90,000 होंगे, उसके परसों फिर 80,000 होंगे, ऐसा करते करते एक लो लेवल तक जाएंगे और फिर इसके बाद ही बढ़ना शुरू होते हैं। फिर धीरे 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 जैसे एक बार बढ़ना शुरू हुए तो बढ़ते जाते हैं। दूसरा बाद में ऐसा है कि सपोज़ अगर कोई पेशेंट बीमार हो गया है, उसके प्लेटलेट काउंट किया, प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम है, फिर उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दी प्रॉपर डोज में, प्रॉपर एंटीबायोटिक और प्रॉपर पीरियड के लिए, फिर धीरे 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 अगर उसके ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उसके पूरे सिम्टम्स अच्छे हो गए, पेशेंट का सब जो साइन इन्फेक्शन के जो साइंस एंड सिम्टम्स है जैसे ओरल इनटेक कम रहना, फीवर रहना, यूरिन आउटपुट कम रहना, ये सब अगर अच्छे होने लग गए तो फिर ये प्लेटलेट काउंट और भी कम हुआ। जैसे 1.5 लाख प्लेटलेट काउंट था शुरू के दिन में, 1 लाख जब ट्रीटमेंट शुरू की तब 1 लाख था, 3 दिन ट्रीटमेंट दी पेशेंट अच्छा हो गया, उसके बाद काउंट किया तो ये 80,000 हो गया। तो ये ऐसा अगर होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू अगर सेम ट्रीटमेंट अगर कंटिन्यू रखेंगे तो 5 या 7 दिन बाद यह काउंट
फिर से नॉर्मल 1.5 लाख के ऊपर आ जाएगा। तो बहुत बार मैक्सिमम केसेस में ऐसे ऐसा ही होता है कि पेशेंट तो अच्छा हो जाता है लेकिन काउंट बढ़ता नहीं है, तो फिर पेशेंट पैनिक हो जाती है। तो ऐसा इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पेशेंट अच्छा है तो काउंट डेफिनेटली बढ़ेगा। बाद में जो ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए लेते हैं? बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि ट्रीटमेंट प्लेटलेट बढ़ने के लिए लेते हैं, पर ये गलत है। ट्रीटमेंट लेते हैं इन्फेक्शन कम करने के लिए, इन्फेक्शन कम करने के लिए, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मारने के लिए। और जब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मर जाएंगे तो प्लेटलेट का तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मर जाएंगे तो प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा। और प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन अगर बंद हो गया तो अपनी बॉडी अपने आप प्लेटलेट को तैयार करेंगी और प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा। यह है क्या? और तो प्लेटलेट काउंट बढ़ने के लिए क्या ट्रीटमेंट है? अगला सवाल, तो देखिए प्लेटलेट काउंट बढ़ने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जैसा कि लोग समझते हैं कि कोकोनट वाटर या फिर अभी आजकल पपाया यूज़ चल रहे हैं, इससे प्लेटलेट बढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लेटलेट काउंट इससे नहीं बढ़ते हैं, प्लेटलेट काउंट और जो ट्रीटमेंट लेते हैं एंटीबायोटिक जो भी लेते हैं ये प्लेटलेट बढ़ने के लिए लेते हैं, तो ये भी गलत है। एंटीबायोटिक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को मारने के लिए लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एंटीबायोटिक ने अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पूरी तरह मार दिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म प्लेटलेट को मारना बंद कर देते हैं, यानी प्लेटलेट सुरक्षित रहते हैं। और जैसे कि बॉडी में प्लेटलेट अपने आप तैयार होते हैं, और प्लेटलेट तैयार होने के बाद वो ब्लड में प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये सब थी प्लेटलेट काउंट के बारे में मालूम। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटलेट कम होने पर क्या करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो